हेलो फैम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कॉमिक समाचार। आज मैं दूंगा आपको न्यूज और अपडेट रिलेटेड टू MCU, DC और पॉप कल्चर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और यह है कॉमिक एस्पिरेंट्स। और अगर आप भी बनना चाहते हैं कॉमिक एस्पिरेंट फैमिली का हिस्सा, तो जल्दी से उस लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और रिंग करिए नोटिफिकेशन बेल को। आज की हेडलाइंस है, तार द वे ऑफ वाटर का नया टीजर ट्रेलर, द मार्वल्स हो गई है डिले और बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज ये है, जेम्स कैमरोन की आने वाली पिक्चर अवतार 2 द वे ऑफ वाटर का टीजर ट्रेलर रिलीज हो गया है। और जेम्स कैमरोन बताया कि ये 3D में अवेलेबल होगी और ये एक बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी से बनाई हुई एक अलग ही लेवल की मूवी होगी। क्या आप भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नील एडम एक मशहूर कॉमिक बुक आर्टिस्ट, उनका 80 साल की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को रीशेप करा था, जैसे बैटमैन, ग्रीन लैंटर्न, ग्रीन एरो, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अगली खबर ये है, द मार्वल्स डिले कर दी गई है समर 2023 के लिए, जो पहले रिलीज होने वाली थी फरवरी 17, 2023 में, जिसमें हमें मोनिका रैम्बो, कमाला खान भी दिखने वाली है। द एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया को प्रीपोन कर दिया गया है फरवरी 17, 2023 के लिए। इसका मतलब द मार्वल्स और एंटमैन एंड द वॉस्प की डेट्स अदला बदली करती है। जॉन वर्ट्स, जिन्होंने द स्पाइडरमैन होमकमिंग ट्रायलॉजी डायरेक्ट करी थी, उन्होंने फैंटास्टिक फोर को डायरेक्ट करने से मना कर दिया है। वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं सुपर हीरो मूवीज को डायरेक्ट करने से। हॉकआई के एको मून नाइट का लव इंटरेस्ट हो सकती थी, पर इस आइडिया को बाद में ड्रॉप कर दिया गया था। ब्लैक पैंथर 2 द वकांडा फॉरएवर चैडविक बोसमैन के लिए एक ट्रिब्यूट होगी और हम सब इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जैक एफ्रोन से पूछा गया कि क्या वो MCU में आना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि वो उस अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेंगे। कैरन ग्लैन, जो नेबुला का रोल प्ले करती हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में, उन्होंने बताया कि वो वॉल्यूम 3 के बाद शायद ना दिखें। हाउस ऑफ ड्रैगन, जो एक स्पिन ऑफ सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन की, उसका नया पोस्टर रिलीज हो गया है और टीजर ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। मून नाइट में दो बिग MCU क्रॉसओवर्स हो सकते थे, पर बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया और मून नाइट को एक सेपरेट सीरीज की तरह दिखाया गया। थॉर 4 के डायरेक्टर ने हम MCU फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। और जो क्रिश्चियन बेल प्ले कर रहे हैं वो MCU का बेस्ट विलन होगा। आप सभी ने द हंगर गेम मूवी देखी या उसका नाम सुना होगा। इस मूवी का प्रीक्वल आ रहा है द पैलेट ऑफ सॉन्ग बर्ड एंड स्नेक्स, जो अराइव हो रही है नवंबर 17, 2023 को। एना दी एरमास ने कंफर्म किया है कि वो आने वाली जॉन विक की स्पिन ऑफ मूवी बैलरीना में एक यंग असैसिन का रोल प्ले करेंगी, जो रिवेंज लेगा अपनी फैमिली के मर्डर का। सोनिक 2 बन गई है हाईएस्ट ग्रोसिंग वीडियो गेम मूवी नॉर्थ अमेरिका में, जिसने कमाए $149 मिलियन, जिसके ओरिजिनल पार्ट ने कमाए थे $148 मिलियन। बैट वुमेन को कैंसिल कर दिया गया है 3 सीजन के बाद। आयरन मैन 1 को हो गए हैं 14 साल थिएटर में रिलीज हुए, ये मार्वल की सबसे पहली मूवी। सैम रेमी ने बताया कि वो स्पाइडरमैन 4 में केविन और मिस्टीरियो को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, पर ये हो नहीं पाया। वॉन्ग ने बताया कि वो फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के साथ मूवीज में पाथ और इंटरेक्शन करना चाहते हैं। पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस की मेन ट्रायो कंप्लीट हो गई है, जिसमें वॉकर प्ले कर रहे हैं पर्सी का रोल, लीश प्ले कर रहे हैं एनेबेथ का रोल और आर्यन प्ले कर रहे हैं ग्रोवर का रोल। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि द अवेंजर्स ने पूरे कर लिए हैं 10 साल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। HBO मैक्स ग्रीन लैंटर्न सीरीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी लॉस एंजलिस में इस साल के एंड में। माइल्स टेलर, जिन्होंने रीड रिचर्ड का रोल प्ले करा था 2015 फैंटास्टिक फोर रिबूट में, उन्होंने कहा कि वो इस रोल को फिर से करने के लिए रेडी हैं, पर फैंस का इसमें मिक्स रिस्पॉन्स है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डायरेक्टर सैम रेमी ने बताया है कि ये मूवी ओरिजिनली काफ़ी लंबी थी, पर इसे काट के 2 घंटे 6 मिनट का कर दिया गया है और इसका थिएटर में रिलीज के बाद फैंस का इस पर मिक्स रिस्पॉन्स है। एक और पूरी खबर ये है कि ऑस्कर आइजैक, जिन्होंने मून नाइट का रोल प्ले करा था, उन्होंने बताया कि अभी सीजन 2 के बारे में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए फैंस काफ़ी निराश हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी न्यूज़ ये है कि
सैम रेमी जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 डायरेक्ट करी है, उन्होंने बताया कि इसे बनाना आसान था स्पाइडरमैन 1 से क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर पहले से सेटअप है, बल्कि स्पाइडरमैन 1 में उन्हें काफ़ी काम करके कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करना पड़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन, बाय बाय।